आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। दलितों की राजधानी चक्कीपाट बसपा को खुली चुनौती देते हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने साइकिल रैली निकाली। उन्होंने मीडिया से बातचीत में खुद को भाजपा के विकल्प के रूप में पेश करते हुए बसपा पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किए। उन्होंने भाजपा से मुकाबला करने के लिए सभी दलों को गठबंधन में आने का संदेश देकर यह भी साफ कर दिया कि सपा गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आजाद समाज पार्टी ने दलितों में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। एक माह के अंदर दूसरी बार आगरा पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने हजारों युवाओं के साथ साइकिल रैली निकाल एक तरह से बौद्ध धम्म नगरी से विधानसभा चुनाव का श्री गणेश भी किया। इस साइकिल रैली के स्वागत में उमड़ी भीड़ ने बसपा और सपा की नींद जरूर उड़ा दी होगी, क्योंकि भीड़ में बसपा का कोर वोटर माना जाने वाला युवा और सपा के प्रति अपनी दीवानगी दिखाने वाले मुस्लिम समुदाय के युवकों की संख्या बहुतायत में थी। साइकिल रैली से पूर्व आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को जगाने, किसानों और अकलियत के लोगों का भला करने के लिए उन्होंने पार्टी का गठन किया है। भाजपा के खिलाफ उनकी लड़ाई है। वे लोगों को जगाने के लिए आगरा आए हैं। शनिवार को वे एमपी भी जाएंगे। चलिए आप लोग फटाफट फ्री हो जाइए। आप पहले बता दीजिए क्या पर्पज है, फिर हम आपसे सवाल जवाब। देखिए, बहुजन साइकिल यात्रा 1 जुलाई से और 21 जुलाई तक चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश। हमारे कार्यकर्ता हर गली, हर ब्लॉक, हर गांव, हर तहसील, हर विधानसभा, जिला, कस्बा, सब जगह घूम रहे हैं। और जन विरोधी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में रही, उनको जनता के बीच लेके जा रहे हैं। और इसलिए लेके जा रहे हैं कि जनता फैसला करे कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, इसने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को, गरीबों को, ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, मजदूरों, इनको क्या दिया है। बहुजन समाज के हितों की रक्षा के साथ ही उनकी बेहतरी के लिए काम करने वाली बसपा के होते हुए आजाद समाज पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी, सी न्यूज संवाददाता के इस सवाल पर चंद्रशेखर का जवाब भी उनकी शैली के अनुरूप रहा। उन्होंने कहा कि जब सवर्णों की अलग अलग पार्टियां चल सकती हैं, तो बहुजन समाज की क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा अब भाजपा से मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए आजाद समाज पार्टी अब बहुजन समाज के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 साल में वो लोग आगे बढ़े, 4.5 साल में पीछे हटे हैं। और मैं आगरा में हूँ, यहाँ का जो चमड़ा उद्योग है, जूता बनाने काम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज हालात देखिए, ट्रेनिंग सारी बंद हो गई है, क्योंकि सरकार जो है चाहे एक तरफ तो चाइना का विरोध करती है, दूसरा चाइना का माल खरीद के जो है यहाँ सब चीज़ चल रही है, और यहाँ का एक बड़ा तबका, सारे यहाँ के कारखाने बंद हैं। तो मैं आज आगरा में आऊँ, यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्या जानेंगे और उनके निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। अभी हम लोग सरकार में नहीं, विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज़ उठाएंगे, उनकी लड़ाई को साझी लड़ाई बना के सड़कों पे आंदोलन करेंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो फिर इन परेशानियों को जड़ से खत्म करेंगे। सपा से गठबंधन का सवाल हो या फिर आगरा से खुद के चुनाव लड़ने का, आजाद समाज पार्टी के मुखिया मंझे हुए राजनेता की तरह पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वह तो भाजपा से मुकाबला करने के लिए सभी विरोधी दलों के साथ चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं। सपा से गठबंधन और उनके चुनाव लड़ने के फैसले पर पार्टी के नेता निर्णय लेंगे। जब बीएसपी स्टार्ट हुई थी ना, DS-4 के बाद 500 वोट एक एक विधानसभा में मिलते थे। तो जब कोई दल शुरू होता है तो उसको कोई छोटा बताता है, कोई बड़ा बताता है, कोई कुछ बताता है। मान्यवर काशीराम साहब को CIA का एजेंट कहा करते थे लोग। ये तो जो लोग सफलता नहीं बचा पा रहे वो आरोप लगा रहे। पंचायत चुनाव में भी तो जनता ने वोट दिया और हमने जब उपचुनाव लड़ा बुलंदशहर में तो हम 3rd नंबर पर रहे। तो जनता का समर्थन है, जनता बनाती, जनता बिगाड़ देती। कौन क्या है, कौन किसका एजेंट है, तो जनता तय करेगी। चंद्रशेखर ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि बहन जी उनसे बड़ी नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती में कौन बेहतर CM है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो उनके कार्यकर्ता देंगे। वैसे अपने अपने समय में सबने काम किया है, लेकिन अगर वे सही काम करते तो कोरोना में लोगों को आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। हम जनता को संदेश देंगे कि आगरा है, आगरा में ताकत है। आगरा का जो नाम दूर दूर तक है वो आगरा आजाद समाज पार्टी को भी एक पहचान दे, मौका दे। और अगर आगरा के लोगों को शिकायत मिलेगी तो आगरा के लोगों की शिकायत सुनने के लिए तैयार हैं। आप मानते हैं कि मायावती जी आज भी आपके बड़ी नेता हैं? हाँ बिल्कुल बड़ी नेता हैं, कौन मना कर रहा है, हमेशा रहेंगी। मैं तो आज भी, आज तक मैंने कोई शब्द खिलाफ नहीं कहा, लेकिन मैंने क्या कहा है कि हमारे मतभेद अपने माता पिता से भी हो सकते हैं, ये अधिकारों की लड़ाई। आपने एक बार कहा था कि बहन जी मुझे अपना वारिस घोषित करें।
आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक शैली बसपा के कोर वोटर्स के साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को बेहद पसंद आ रही है। आगरा में बसपा की मजबूती के बावजूद चंद्रशेखर की पार्टी से युवाओं का जुड़ना, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व MLC सुनील कुमार चित्तौड़ के प्रबंधन और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के प्रति आकर्षण का नतीजा है। युवाओं का ये आकर्षण पार्टी की उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए पर्याप्त है। बहुजन समाज की राजधानी आगरा से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपना एक तरह से चुनावी श्री गणेश कर दिया है। उन्होंने आगरा में पत्रकारों से बात की और अपना एजेंडा साफ किया। उन्होंने कहा कि बहन जी उनके समाज की बड़ी नेता हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने मूवमेंट से हट गई है। लोगों की हत्याएं हो रही है। आज कोई भी दल भाजपा का प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी भाजपा का डटकर मुकाबला करेगी। अगर वे सत्ता में आते हैं तो बहुजन समाज के बेहतरी के लिए काम करेंगे। चक्कीपार से अपने साथी इंद्रजीत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।